हेलो एवरीबिटी सात जुलाई को एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था फॉर ऑल दी क्लैट एस्पिरेंट्स 2025 सो वेलकम बैक टू लॉ लॉप्रेप ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेरा नाम नुपुर है और आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म का नोटिफिकेशन तो आ गया सबको पता है कि 15 तारीख से आपके फॉर्म्स भरने चालू हो जाएंगे बट पर्टिकुलर्स क्या क्या हैं कैसे क्या तैयार रखना है क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है क्या चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है किस चीजों पे ज्यादा फोकस करना है एंड हाउ टू फिल द फॉर्म्स सो फॉर दिस पिक्चराइजेशन हम लोग सब इसको स्टेप बाय स्टेस डील करेंगे सबसे पहला नोटिफिकेशन अगर नहीं पता है तो नोटिफिकेशन क्या है दिस इज नोटिफिकेशन ये क्लैट कंसोटियम के ऑफिशियल साइट पे भी अपलोडेड है क्लैट ट्वेंटी करके दिस इज द फर्स्ट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द पेपर फिलिंग इसमें आपका सबसे पहले क्या आया है कॉमन लॉ एडमिनि एडमिशन टेस्ट की नोटिफिकेशन है ऑनलाइन प्रोसेस आपका एप्लीकेशन का खुल जाएगा प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन होगा ऑफलाइन फॉर्म्स में नहीं होता है 15 जुलाई से ये चालू हो जाएगा द प्रोसेस विल क्लोज आफ्टर वॉट फिफ्टीन अक्टूबर 15 अक्टूबर को लास्ट डेट है आपका फॉर्म फिल करने की प्लीज़ डो नॉट वेट अंटिल द लास्ट डेट टू एक्चुअली फिल द फॉर्म फिर आते हैं आपका एग्जाम का डेट आ चुका है एग्जाम का डेट क्या है फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी 2 to टू pm पी ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका था एंड देन इसमें आपका अंडर ग्रेजुएट का क्या क्या नेसेसरी है क्या नहीं है अंडर ग्रेजुएट का मतलब है वो सारे बच्चे जिन्होंने ट्वेल्थ पास कर लिया है और फिर अब उन्हें उनका कोर्स करना है फ़ाइव ईयर्स बी लॉ वाला कौन सा वाला फ़ाइव ईयर्स वाला उसमें आपको क्या चाहिए टेन प्लस टू चाहिए एग्जामिनेशन या कोई भी इक्विवेलेंट उसमें आपको मार्क्स चाहिए फॉर् फाइव परसेंट मिनिमम मार्क्स चाहिए उसके बाद में आपको फोर्टी परसेंट मिनिमम मार्क्स चाहिए अगर आप एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैटेगरीज़ हैं तो ठीक है उसी के बाद में फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है मार्च या अप्रैल 25 में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इससे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो भी इलेवेंथ में है स्टूडेंट्स जिनका क्लास 2026 लगेगा आप लोग भी एलिजिबल है दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्योंकि आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिल कर सकते हैं प्लस हमारे पास में कोई भी अटेम्प्ट लिमिट्स भी नहीं है कि आप सिर्फ चार बार अटेम्प्ट कर सकते हैं दो बार अटेंट कर सकते हैं यू हैव ऑल दी दैट यू वांट एंड नो एज लिमिट आल्सो, सो यू कैन अप्लाई अगर आप इलेवेंथ में भी हैं तो प्लीज डू अप्लाई बिकॉज इट रोली हेल्प्स यू टू नो वॉट इज द इनवायरमेंट इन द एग्जाम राइट फिर आते हैं कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे लिए एज सच नेसेसरी नहीं है बट फॉर ऑल दी पीपल जिन लोगों ने अपना बेसिक लॉ का डिग्री ले लिया है ये सिर्फ उनके लिए है फॉर पीपल हु हैव देयर लॉ डिग्री ये उन लोगों के लिए क्या करना है आपको कितने मार्क्स आने चाहिए फिफ्टी परसेंट मार्क्स ऑफ द इक्विवेलेंट ग्रेड अगर 50% है आपके लॉ वाले उसमें देन यू कैन अप्लाई 45% is necessary इज नेसेसरी इफ़ यू बिलोंग टू द कैटेगरीज and PWDs. एंड उसके बाद में अगेन अगर आप ऑलरेडी अपने फिफ्थ ईयर एग्जाम में हैं थर्ड ईयर एग्जाम में है एंड योर results आर सून गोइंग टू बी आउट ऑन April, May 2025. जब तक आपका क्लैट का रिजल्ट आ चुका होगा इनका ये मतलब है सारे ही प्रोसेस में बिफोर दे स्टार्ट देर एडमिशन प्रोसेस जब आपको अपने यूनिवर्सिटी जाना है उससे पहले आपकी 12th हो जानी चाहिए उससे पहले आपकी लॉ हो जानी चाहिए राइट सो देर आर सम थिंग्स दैट यू शुड फोकस ऑन आपका डेट अनाउंस हो गया था दिस इज दफिशियल वन जिसमें डेट अनाउंस हुआ था क्या क्या चीज़ें हैं कितने लोग बैठे हैं कैसे चालू होगा कैसे नहीं होगा सो दीज आर सम वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रजिस्ट्रेशन डे चालू इस दिन होगा खत्म पंद्रह अक्टूबर को होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी करेक्शन विंडो जैसे आप अगर फॉर्म फिल करें और कुछ भी उसमें गड़बड़ फॉर्म फिल हो जाए तो एक करेक्शन विंडो फिल खुलता है जिसमें आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को चेंज कर सकते हैं बट देन प्लीज इसीलिए मैं ये वीडियो लाई हूँ सो दैट यू डोंट नीड टू चेंज एनी सो देन इसके बाद में आपका जो भी है आपका एग्जाम डेट हम लोगों को पता है क्लैट uh, का जो एडमिट कार्ड है वो थर्ड वीक ऑफ नवंबर तक आ जाएगा ये वो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगी सिर्फ लॉप्रेप ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पे ही मिलेगी जो मैं लेकर आई हूँ राइट सो right? so, उसके बाद में आता है कि इसमें क्या क्या है प्रोविजनल आंसर की कब हो जाएगी आंसर्स uh, कब हो जाते हैं दीज आर एवरी थिंग विच वी हैव एक्सपीरियंस फॉर ओवर द पास्ट ईयर्स ये हंड्रेड गारंटीड नहीं है है, क्योंकि गारंटी तो इंसान की भी नहीं होती है तो उसी में ये सारी वो चीजें हैं एंड देन इट व्हाट वीक ऑफ डिसंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन आ जाएगा उसी के बाद में कौन कौन एलिजिबल है वो सारे लोग एलिजिबल हैं जो ट्वेल्थ पास कर चुके हैं जिनका ट्वेल्थ का रिजल्ट आएगा अप्रैल में या मई तक आपका रिजल्ट आ जाता है राइट उसी के बाद में आ, एज लिमिट क्या है देर इज नो सेट एज लिमिट आप कोई भी एज के हो आप एग्जाम दे सकते हैं हेंस इज नो सेट एज लिमिट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे चालू होगा नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात है जब आपका फॉर्म्स खुल जाएंगे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप नाम फिल करें अपना अपने माता जी का अपने पिताजी का वो सारे नाम मैच करने चाहिए अपने दसवीं और बारहवीं के मार्कशीट से आधार कार्ड वाला नहीं दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट से परमानेंट एड्रेस जहाँ की आपका सारे डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस होगा आपका और जो लोकल एड्रेस है जैसे अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो वो आपका लोकल एड्रेस होगा अंडरस्टूड ओके सो एवरीबडी Uh, जब आपका पेपर के फॉर्म्स आ जाएंगे राइट right? कि अब आप नाउ यू कैन फाइल योर एप्लीकेशन सो दिस इज वन प्रोसेस दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू द फर्स्ट थिंग इज वॉट के आपसे वो एक लॉग इन डिटेल्स मांगेंगे उसी में आपको क्या हैंडी रखना है नाम आपको हमेशा कौन सा भरना है जो कि आपके टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट में है अपने पेरेंट्स का नाम वही भरना है जो टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट में है इफ़ देर इज एनी चेंज इन द सेम आपका हो सकता है कि आपका फॉर्म वो लोग हटा दें उसे कैंसिल कर दें राइट सो प्लीज़ माइंड इट उसी के बाद में जब आप लॉग इन डिटेल्स फिल कर रहे हो आपसे वो ई मेल आई डी मांगेगा आपसे वो फ़ोन नंबर मांगेगा सो बोथ वॉट एवर यूर फिलिंग यू शुड हैव दोज इन हैंड राइट जिस फ़ोन नंबर आप डाल रहे हैं वो हाथ में होना चाहिए जो ई मेल आई डी आप डाल रहे हैं वो आपके पास होनी चाहिए राइट right? उसके बाद में क्या क्या पर्टिकुलर्स और चाहिए ये सारा आपको इसमें मिल जाएगा जो मैंने आपको अपलोड कर रही हूँ हाउ टू फिल दी फॉर्म फर्स्ट इज आपको एक पेज आएगा जिसमें पर्सनल डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर सिग्नेचर दैट यू यूज एवरीवेयर अगर आपका कोई भी बैंक uh, अकाउंट है उसमें जो आपका सिग्नेचर है वो आपकी पासबुक में होगा आप उसको कर लीजिए फ़ोटो सिक्स मंथ्स की राइट right? छः महीने पुरानी फोटो उससे पुरानी फोटो नहीं दीजिएगा क्योंकि ये भी एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है विच यू शुड फॉलो बचपन की कोई फोटो लगा दी अब रिकग्नाइज ही नहीं हो रहे हैं तो कैंसिलेशन का वेट नहीं करना है हमेशा इन एडवांस प्रिपेयर करके चलना है सो so, छः महीने पुरानी फोटो डन एवरीबडी देन इज कम्युनिकेशन डिटेल्स जैसे कि आप लोगों के परमानेंट एड्रेस हो गया परमानेंट एड्रेस वो होता है जिससे आपका सारा डॉक्यूमेंट में होगा लाइक योर पासपोर्ट्स आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आई डी इफ यू हैव एनी नहीं तो आपके टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट के लिए या आपके स्कूल में जो भी परमानेंट एड्रेस होगा प्लीज उसे ही फिल करें आप फिर है करस्पॉन्डेंस एड्रेस दैट इज़ दैट एड्रेस दैट यूर लिविंग राइट नाउ आप हो सकता है बहुत सारे लोग अपने परमानेंट एड्रेस पे ही रहते हो दैट वुड नॉट बी योर कॉरिस्पोंड एड्रेस सॉरी दैट वुड बी योर कॉरस्पॉन्ड एड्रेस और जो लोग परमानेंट uh, एड्रेस के अलावा कहीं रहते हैं जैसे हम लोकल एड्रेस बोलते हैं ये होगा आपका कॉरस्पॉन्ड एड्रेस स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड पिन कोड करेक्ट रखिएगा आप लोगों की उसमें लिखा होता है कि कहाँ पिनपो किन पिन कोड है कौन सा पिन कोड है सो यू गाइस शुड बी नोइंग पिन कोड क्या होता है आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होता है उसका कोड होता है राइट right? देन इसकी एजुकेशन डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी आपका ट्वेल्थ हो गया टेंथ हो गया अगर आप ट्वेल्थ अपियरिंग है अगर आप इलेवेंथ में हैं देन वॉट यू कैन से इज यू कैन सेलेक्ट द अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम ऑप्शन राइट आगे बात समझ में फिर है क्लैट सेंटर्स होंगे आपके पास में जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर जोधपुर और कोटा आता है आपके डिफरेंट स्टेट्स में जो भी सेंटर्स होंगे वो वहां पे मैंशनड होंगे एंड यू कैन डेफिनेटली चूज दैट राइट फिर आते हैं रिजर्वेशन का अगर आपके कोई स्टेटस है तो बहुत सारे ऐसे एन हैं जो रिजर्वेशन का वो मांगते हैं आपसे जैसे डोमिसाइल रिजर्वेशन हो गया आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या रखने हैं पास में रखने हैं दे विल बी रिक्वायर्ड वेयर उंसलिंग सेशन sessions. Now a very important thing related to this SC, ST, OBC, PWD, EWS. ये सारे certificates आपके center के होने चाहिए and you, should have it with you. Expired होता है OBC, उसका भी आप check रखें प्लस आपको हमेशा जिस, जिस का आप वो कर रहे हैं उस उसका होना जरूरी है आपकी कभी कभी विमेन का भी रिजर्वेशन मिलता है सो यू शुड टेक विमेन रिजर्वेशन इन दैट इफ यू आर अमेन आधे बात समझ में सो so ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन हैंड होने चाहिए उसी के अलावा जब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ आधार कार्ड की फोटो और आपका प्रेजेंट फेस मिलना चाहिए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव आई हैव सीन दिस प्यूबर्टी के पहले के आधार कार्ड बने हुए हैं तो वो फोटो एकदम मासूम और छोटे बच्चों वाली है विच डज नॉट डेफिनेटली मैच द फेस और द फोटो दैट यू विल पिट पुट ऑन योर कन्जोटियम्स एडमिट कार्ड आगे बात समझ में तो फोटो मैच होनी चाहिए तो आप क्या करेंगे आपके पास में अभी भी समय है आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें और उसमें अपना जो फोटो है उसे अपडेट करवा लें वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग प्लीज इसको ध्यान से सुनिए ठीक है फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में एनएलयू प्रेफरेंसेस आएंगे अब एनएलयू की प्रेफरेंसेस प्रेफरेंस लिस्ट होती है पहले कहाँ फिर कहाँ पे फिर कहाँ पे जब एडमिशन हुआ और रैंक आया आपको कॉलेज उस हिसाब से ही मिलेगी इसको करेक्टली फिल करना इज़ अ पार्ट ऑफ़ योर प्रोसेस एंड इज़ अ पार्ट ऑफ़ योर एडमिशन प्रोसेस ये गलत हुआ तो रैंक ऊपर नीचे होकर हो सकता है कि कॉलेज में डिफरेंसेस आ जाए ये प्रेफरेंस लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल पे एक्सक्लूसिवली आएगी तो आप सब उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में या लिंक में डाल देंगे यू कैन सब्सक्राइब थ्रू दैट आल्सो आपको अगर कोई भी डिफरेंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम आई बिलोंग फ्रॉम दिस स्टेट क्या करना चाहिए आई बिलोंग फ्रॉम दिस स्टेट सब बता दिया जाएगा बट यू हैव टू फोकस आपका प्रेफरेंस लिस्ट वही होना चाहिए जो एक एक्सपर्ट गाइडेंस के थ्रू आपको मिल रहा है गई बात समझ में उसके बाद में आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे फीस आप लोगों को मैं बता देती हूं चार हजार है हमारे इन सारी कैटेगरीज के लिए और एस सी और बी कैटेगरीज के लिए है साढ़े तीन हज़ार इसके पेमेंट के मोड्स कुछ भी हो सकते हैं ऑनलाइन हो सकता है नेट बैंकिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड सब हो सकते हैं ये ऑफलाइन नहीं होगा ये ध्यान रखेंगे आप लोग सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है आप लोगों को पता है 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं और डिफरेंट फाइव सब्जेक्ट्स आते हैं उनका एक अलग से वीडियो बन रखा है